और आपने जो सवाल किया है, ये सवाल जो भी अभी सोशल मीडिया में वायरल हुआ है, ये गलत इस्तेमाल कर रहा है। मैंने उस टाइम में बोला था कि कर्सिंग ऐसा चीज़ है जो यहाँ पर कुछ भी टूरिज्म सेक्टर नहीं है। जो मैंने आगे 2012 से लेकर 2017 तक मैंने सोचा था कि बेलटार जो रोहिणी और रोहिणी का जो अभी जो घिलिंग का जो प्रोजेक्ट है और चिमनी का जो पैराग्लाइडिंग का जो प्रोजेक्ट है, जो प्रोजेक्ट मैं एक टूरिज्म सेक्टर के लिए और यहाँ का जितना भी हम लोग का जो सराउंडिंग एरिया का जो हम लोग का चलाक महासंघ का भाई लोग है, दाजू भाई है, और उसका आयुष होती नहीं है, उसके लिए मैंने ये चीज़ बनाया है ताकि यहाँ से बेलटार भी जा सकते हैं, चिमली भी जा सकता है, और रोहिणी से थोड़ा रोपे करके और गीदे पहाड़ से फिर वो लोकल गाड़ी भी इस्तेमाल हो सकता है। और इस हिसाब से मैंने बोला था, तो अभी तक ये चीज़ जो है ना, जो अब मैंने टॉयलेट के बाद जो किया है, तो ये चीज़ क्या है, नीचे से टूरिस्ट आता है और यहाँ आके चाय भी नहीं पीता है, और दार्जिलिंग से आता है यहाँ से जस्ट एक यहाँ पर झाड़ा पेशाब करने के लिए उतरते हैं, लेकिन एक होटल में जाके चाय भी नहीं पीता है और खाना भी नहीं खाता है। ये ऐसा इस्तेमाल करने के लिए टूरिस्ट लोग, क्योंकि यहाँ पर घूमने का जगह नहीं है, और इसलिए मैंने बोला कि इसको एक टूरिज्म सेक्टर में बढ़ोतरी देना है, अच्छा बनाना है। तो कर्सेंग के लिए टूरिज्म सेक्टर में क्या कुछ किया मैंने, जो बनाया उसको भी आगे काम नहीं किया है। देखिए रोपे का हालत अभी पूरा ख्याब लग गया है, ये प्रोजेक्ट सेंक्शन होना चाहिए, पूरा कंप्लीट होना चाहिए था, और चिमली का जो है जो दृश्य वहाँ से देखता है पूरा 360 डिग्री में देखता है, इसको पूरा इस्तेमाल करना चाहिए। और यहाँ का आयुष एक एजुकेशन है, एक ये टूरिज्म सेक्टर है, सबसे ज़्यादा एजुकेशन और टूरिज्म सेक्टर में हम लोग कुछ करना चाहिए। और मैंने इसी कंसेप्ट को लेकर 4.5 वर्ष में ये काम करने के लिए आगे गया था, लेकिन अभी आके ये सिर्फ बेलटार का बात नहीं है, रोहिणी का बात नहीं है, ये प्रोजेक्ट इतना मैंने जगह जगह में बनाया था, जो जामुनी रॉक गार्डन का जो विषय है और कालिम्पोंग का भी जो रेली पाला है, ये सब जगह में मैंने टूरिज्म सेक्टर में बहुत अच्छा एक प्रोजेक्ट बना के आने वाला दिन में इसका आयुष का रूट बन जाए, लेकिन अभी तक यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ है। तो 3 वर्ष में इतना पैसे यहाँ पर आए हैं, तो इसको इस्तेमाल सही तरीका से करना चाहिए। एक बच्चे को 2000 देकर, एक बच्चे को 1500 देकर, एक जो के दिन का रोज देने से देकर वो पार्टी में ले जाने से तो नहीं होगा ना, तो उसको भविष्य तय करना होगा, उसका आने वाला दिन तय करना होगा। पॉलिटिक्स तो जिंदाबाद मुर्दाबाद सिर्फ करने से नहीं होगा, पॉलिटिक्स में कर्सेंग का आयुष का रूट बनाना चाहिए। यहाँ पर इंडस्ट्री इतना बड़ा ज़्यादा है, ये इंडस्ट्री अभी देखिए कॉमन बन हो रहा है, अभी आदमी भूख से थोड़ा तड़प रहा है, इसको सोचना चाहिए, पॉलिटिक्स नहीं करना चाहिए। मैं तो आया हूँ, अब 20 तारीख यहाँ आए, तो मैं अभी 12-15 दिन हो गया, और आने वाला दिन में ये सत्ता जैसा भी हो, चाहे मैं इलेक्शन लड़ूँ या कुछ भी करूँ, मेरा सत्ता तो मैं लेऊँगा, उस टाइम में मैं ये एरिया का जो भी है, जो आदमी अभी सोच रहा है इसको कितना अच्छा बनाना है, ये मेरे कॉन्सेप्ट है, मैं करूँगा। और दूसरा क्या है आपका सवाल? आज आप सिलीगुड़ी जा रहे थे, तो सिलीगुड़ी कितने दिन रहेंगे और कहाँ कहाँ आप जनसभा? देखिए मेरा मैं यहाँ पर जब आए हूँ 21 तारीख मैंने प्रेस रिलीज किया है, तो बंगाल में मैं जब आया तो मैंने क्लियर कट मेरा विजन जो है, जो भारतीय जनता पार्टी ने मेरे को इतना बरस धोखा दिया है, नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह जी ने और एनपी ने, इतना हम लोग को 12 वर्ष हम लोग और मैं उसको सभी लीडर्स लोग को ये बताना चाहता हूँ आपका चैनल का द्वारा से, कि इतना वर्ष मैंने हमारा पार्टी ने, पहाड़ का जनता ने इतना योगदान दिया है, तो बीजेपी ने अभी तक क्या दिया है? तो सब कुछ देखकर अभी हमने डिसीजन लिया है, तो उसी डिसीजन के मुताबिक नॉर्थ बंगाल में मैं जगह जगह में जाऊँगा, क्षेत्र क्षेत्र में जाऊँगा, जहाँ जहाँ कि मैं जो बीजेपी का जो कार्यप्रणाली आगे का था, अभी जो राजनीति कर रहा है 11 जात गोष्ठी लेकर, लेकिन ये चीज़ नहीं होगा, 11 जात गोष्ठी जस्ट एक जो
वो फॉर्मेलिटी निभाने के लिए राजनीति कर रहा है। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मैं जगह जगह जाके ये जितना भी 2021 का इलेक्शन में अच्छा से अच्छा रिजल्ट लेने के लिए देने के लिए हम लोग काम करने के लिए अभी मैं 2-4 दिन के लिए मैं तराई में जा रहा हूँ और उसके बाद मैं कालिम्पोंग 7 तारीख जनसभा में 2-3 दिन वहाँ पर बैठूंगा, उसके बाद मैं डुअर्स का भ्रमण करूँगा। जैसे कालिम्पोंग में उसी दिन आया था कुणाल प्रधान ने जो सोशल मीडिया के तरफ से आपको एक थ्रेटिंग मिल गया था, इसको किस नजर देख रहे हैं? जिस पार्टी में वो रह चुकी है उसने कितना ऐसा अशांति माहौल बनाने की कोशिश किया है और हाईवे में भी उसने जो बंदूक हाथ में लेकर गोली चलाई है, 2 आदमी को वहाँ पर गोली लगा हुआ, तो वो आदमी GTA 2 का कार्य करता है वो, और लीडर को उसको समझना चाहिए कि जितना भी पहाड़ है अशांति किसने कर रहा है, ये लोग कर रहा है। और मेरे को कालिम्पोंग जाने के लिए वो लोग रोकने के लिए कोशिश कर रहे, तो मैं तो जाऊंगा, मेरा घर है वो, मेरा अपना घर है। दार्जिलिंग में भी आने के लिए मैं मेरे को बोला था कि झंडी दिखाएंगे, मैं झंडी कुछ भी दिखाएंगे, अभी मैं झंडी दिखाऊंगा बाद में दिखाएंगे बाद में। आज से आप सिलीगुड़ी जा रहे हैं नॉर्थ बंगाल, तो ये अगेंस्ट टू बीजेपी को ही कैंपेनिंग करनी पड़ेगी? बीजेपी को कैंपेनिंग तो करना ही पड़ेगा, जो 12 साल मेरे को गुमराह किया मैं तो करूँगा ही। कैंडिडेट क्या होगा, मतलब आप कैंडिडेट क्या होगा कैसा होगा बाद में, अभी तय नहीं है, अभी डिसीजन हम लोग ने नहीं लिया है, बाद में करेंगे, लेकिन हमारा होगा। करसांग में जो आज पोस्टर चिपकाया गया है उसमें कहा गया है कि 2017 तक आप मतलब पावर में थे, चौकी में थे, लेकिन आपने करसांग के लिए कुछ नहीं किया, बल्कि करसांग को शौचालय बेलदार किसने बनाया, रोहिणी का रोपवे मैंने किसने स्थापित किया, मेरा कंसेप्ट था इतना बड़ा बड़ा जगह जगह में रास्ता बनाया मैंने, वो किसने किया, मैंने किया। मेरा जो शासन प्रणाली था उस टाइम में किया, जो ये 7 घुमती का रास्ता किसने बनाया, ये भी तो मेरा समय में बनाया। यहाँ पर काम हुआ है कि नहीं हुआ है? नहीं हुआ, क्या हुआ, अपना गुजी भरने के लिए काम हुआ, 2 कंट्रैक्टर बड़ा हो गया, 2 युवा जमात बड़ा हो गया, जो कार्यकर्ता लोग है, जो पब्लिक लोग है, देखे ना अभी यहीं पर लंग गार्डन बंद है, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। मैंने मीटिंग बुलाया है, लोगों मालिक को बुलाया कि इसको जल्द से जल्द करना होगा, नहीं तो उसको डिसीजन लेना होगा। तो लीडर अपने मेरे गांव में भी 2 कमांड अभी बंद है, अभी रिसेंटली मैं आने का आगे बंद हुआ, जो सिंगला एक करो वो ये सिंतम टी गार्डन, मैंने मीटिंग किया सभी को बुला के, जल्द से जल्द ये कमान खोलना चाहिए, यहाँ का आई स्रोत ही यही है, तो यहाँ लॉन्ग व्यू का भी 1200 से ज़्यादा यहाँ पर एम्प्लॉयज है, देखिए तो ये राजनीतिक नहीं होना चाहिए, ये कमान जल्द से जल्द, और GTA का एक जो GTA चलाने वाला का चीफ यहाँ पर रहते हैं, तो उसको बुला के उसको पूरा समझाना चाहिए कि ये कमान खोलने के लिए, लेकिन अब पैक्ट है, वो लोग पैक्ट है, कैसे खोलेगा। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि ये जनता डिप्राइव हो रहा है, ये जनता को आने वाला दिन में इसको अच्छा सा अच्छा माहौल बना के काम करना चाहिए, मैं यही चाहता हूँ। तो और तो कर्सैंगवासी तो आदमी लोग तो बहुत पढ़े लिखे हैं, अच्छा है और इज्जत करता है, मैं जब भी जाता हूँ इधर उधर जाता हूँ, कुछ भी ऐसा बात नहीं है कि जो विभिन्न विषय को लेकर तनाव, विभिन्न विषय को लेकर विश्लेषण नहीं किया है, तो आने वाला दिन भी अच्छा हो। थैंक यू, नमस्कार, हैप्पी न्यू ईयर। समय के साथ ही जरूरी बदलाव, प्लास्टिक हटाओ, रस्ट प्रूफ और फूड ग्रेड स्टेनलेस स्टील वाटर टैंक लगाओ और लाइफ टाइम गारंटी पाओ, इसके हैं फायदे अनेक, काफी दिनों के लिए प्रयोग नहीं होता तो भी फंगस नहीं, सफाई बिल्कुल आसान, मौसम जो भी हो पानी नॉर्मल ही रहेगा, प्लास्टिक हानिकारक, स्टील के फायदे हैं अनेक। कॉन्टेक्ट नंबर 9832378631। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम, घर दुकान मकान गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टेक्ट नंबर 9709970981।
50-70% कम कीमतों पर लाजवाब डिजाइन ब्रांडेड फर्नीचर, गारंटी सहित मजबूती का वादा, मौका है यही, बना लो इरादा। बेडरूम सेट, सोफा सेट, डाइनिंग सेट, आउटडोर या ऑफिस फर्नीचर से लेकर मॉड्यूलर किचन उपलब्ध है। कम कीमत में बेहतरीन गुणवत्ता का पूरा भरोसा। ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। इंटरनेशनल फर्नीचर, अनबीटेबल प्राइस। विजिट अ रॉयल ओक स्टोर टुडे। SGMG Automobiles, a multi-brand service center, one-stop solution for all car-related issues. यहाँ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ सभी ब्रांड की गाड़ियों की सर्विसिंग होती है। 20 मिनट में ही कार वॉश, इन-हाउस ऑटोमेटिक कलर बनाने की मशीन इत्यादि। तो देर किस बात की, आज ही कॉल कर अपॉइंटमेंट बुक कीजिए 9609933000। SGMG Automobiles, BSF Road, सालूगाड़ा, सिलीगुड़ी।